और बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और फिलहाल जल स्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी आने से बाढ़ की संभावना टल गई है। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो वहां गांव का दौरा भी कर रहे हैं और ग्रामीण तक मदद पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हापुड़ के खादर क्षेत्र के गांव में जंगल में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी आबादी के करीब पहुंचने से बीमारियों के पनपने की संभावना भी अब और बढ़ती हुई नजर आती है। तो तस्वीरें आपको हापुड़ से दिखा रहे, जहां पर देखिए किस तरीके से रास्तों पर अब पानी आ चुका है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि गंगा किनारे जो बाढ़ से पीड़ित जो ग्रामीण हैं और जो गांव क्षेत्र है, जो पूरा डूब का क्षेत्र है, उसमें जो परेशानी है, जो आज हम उसको इंडिया न्यूज़ जो वहाँ जमीनी हकीकत वहाँ से रूबरू हुई है, जो जीरो ग्राउंड की एक रिपोर्ट हुई है, तो उस पर स्थानीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं हमारे साथ कमल सिंह मलिक, उनसे जानते हैं कि उन गाँव वासियों के लिए जो परेशान हैं वर्तमान समय में, पशुओं के लिए चारे की दिक्कत उनको आ रही है और बीमारियां वहां फैल रही हैं, क्या क्या सुविधा उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से या जिला प्रशासन ने क्या क्या वहाँ सुविधा मुहैया करा, किस प्रकार की परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को लेकर जिला प्रशासन ने क्या तैयार। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गंगा किनारे का ये गांव है, गढ़मुक्तेश्वर के जो गांव है, और यही रास्ता है जो करीबन एक दर्जन से अधिक गांव में जाता है। गांव में जलमग्न पूरे ये रास्ता है, यहां पर भी कितने लोग आ जा रहे हैं इस पानी से निकलकर और कितनी परेशानी उनको जो है उठानी पड़ रही है, और जो बच्चे हैं कैसे हैं, कैसे निकल के पैरों से आ रहे हैं, चारा भी जो है ना दूर से लाया जा रहा है पशुओं के लिए, तो ग्रामीणों को लाजमी है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां इसने आ रही हैं, क्योंकि गंगा किनारे की ये गांव है और इन गांवों से जो है मैं पूरा जलमग्न है, पूरा पानी इस कदर भरा हुआ है, और एक जो हमारे साथ हैं जो पानी से ही निकल के आ रहे हैं और यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? यहाँ बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और ये निहार की दिक्कत है जानवरों के लिए, और खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, और ये फसलें बेकार हो चुकी हैं, बीमारी बन रही है यहाँ पे। अधिकारी कभी आए इस समस्या को, जैसे कि समस्या उत्पन्न हुई है, बता रहे हैं कि पानी तो अब उतर चुका है, पहले और काफी पानी था, तो अधिकारी आए क्या किसी? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, कोई आता नहीं, पता गाँव को ये इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, क्या नहीं है, खादर में कोई आते नहीं घूमने, क्या कोई परेशान है या नहीं है। अब तो हाईटेक जमाना है और क्या नाम है, फोन सबके पास है, फोन से जो है सारी चीजें कराए, परेशानियाँ हैं तो वो भी जो ना अधिकारियों को अवगत कराई जाती हैं, तो क्या आपने फोन द्वारा भी नहीं कुछ? नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बात ही नहीं करता, तो बात फोन करने में क्या फायदा, कोई फोन नहीं उठाते अधिकारी, नहीं उठाते, अब बाद में आएंगे देखेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब तो कोई आता नहीं है। तो कितना नुकसान आप भी मान रहे हैं कि गाँव में ग्रामीणों को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का सब नुकसान है, सारे गन्ने बेकार हो चुके हैं, मूंजी खराब हो चुकी है, जो धान है, और ये यही दिक्कत है ज्यादा। देखिए ये गंगा किनारे का जो है गांव है और जितने भी यहाँ गांव हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार गन्ने की और धान की होती है, जो बता रहे हैं पूरी फसल जो है पूरी तरीके से जो है नष्ट हो चुकी है, मतलब कि इससे जो ना पूरी फसल खराब हो जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए हापुड़ से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। गंगा किनारे जो बाढ़ से पीड़ित जो ग्रामीण हैं और जो गाँव क्षेत्र है, जो पूरा डूब का क्षेत्र है, उसमें जो परेशानी है, जो आज हम उसको इंडिया न्यूज़ जो वहाँ जमीनी हकीकत वहां से रूबरू हुई है, जो जीरो ग्राउंड की एक रिपोर्ट हुई है, तो उस पर स्थानीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं हमारे साथ कमल सिंह मलिक, उनसे जानते हैं कि उन गांव वासियों के लिए जो परेशान हैं वर्तमान समय में, पशुओं के लिए चारे की दिक्कत उनको आ रही है और बीमारियां वहां फैल रही हैं, क्या क्या सुविधा उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से या जिला प्रशासन ने क्या क्या वहाँ सुविधा मुहैया कराई है, इसके लिए हम आज जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं भाजपा के कमल सिंह मलिक से बात करते हैं। सर वहाँ हमने मेडिकली कैंप भी लगवाए हैं, लोगों को जो बीमार हैं उनके लिए डॉक्टर्स भेजे हैं, और राहत सामग्री भी हमने भेजी है वहाँ पर, और जो फसल वहाँ नष्ट हुई है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी से कहा है कि उसका फसल का मुआवजा मिलना चाहिए वहाँ के लोगों को, क्योंकि ये परंपरागत बाढ़ है, जब बरसात आती है तो वह निश्चित रूप से अपने 15-20 गाँव हैं उसमें बाढ़ से पानी भर जाता है। उसमें भी हमने सिंचाई विभाग से, जो मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनसे आग्रह किया है कि हमें लगभग 13 से 14 किलोमीटर का तटबंध बनाया जाए, जिससे कि लगातार आती हुई परंपरागत बाढ़ को हम स्थायी रूप से उस बाढ़ को बंद कर सकें। किस प्रकार की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है, उसके लिए हमारा जो गढ़मुक्तेश्वर के जो तहसीलदार साहब हैं वो हमारे साथ हैं, तहसीलदार, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या व्यवस्था है की है इस बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, और क्या क्या उन्होंने योजना बनाई है। सबसे पहले हमारी टीम द्वारा
उपजिलाधिकारी महोदय मेरे द्वारा और संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे सीएससी के डॉक्टर डीपीआरओ इनके द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया और बाढ़ की जो विभीषिका थी उसको देखा गया कि क्या गंभीरता है और उस हिसाब से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। सीएमओ के द्वारा कैंप लगा के जो ग्रामीण हैं उनकी चिकित्सा की जांच की जा रही है, कोई चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोगों ने जो 5 बाढ़ चौकियाँ बनाई हैं जिससे अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसे निपटने के लिए हमारी चौकियाँ तैयार है, स्टाफ लगा हुआ है। हमारे लगभग 88 गोताखोर हैं और नाविक हैं जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी उनके सहायता की तो उनकी सहायता ली जाएगी। तो हापुड़ से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि पानी किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए असुविधा लेकर के आ रहा है। इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। प्रवीण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हापुड़ में हमने स्थितियां देखी कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को पानी से होकर के गुजरना पड़ा और ये गंदा पानी बताया जा रहा है, तो क्या इसकी निकासी के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, शुरू में मैं आपको बता दूं कि ये हर साल जो है बाढ़ का पानी है जो गांव में, जो गंगा किनारे वाले जो गांव हैं उनमें आ जाता है और जो फसल है वो भी जो है मतलब कि कहे तो सैकड़ों बीघा जो फसल है वो भी बर्बाद होती है और जो साथ ही पशुओं के लिए जो चारे की जो व्यवस्था होती है उन्हीं खेतों से होता है क्योंकि वो जलमग्न हो जाते हैं तो उनके सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो है जो पानी आता है तो वो कहीं ना कहीं बीमारी पशुओं में बीमारी या मनुष्य जो वहाँ लोग रहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस जो क्षेत्रों में 5 बाढ़ चौकियां यहाँ बनाई जाती हैं मगर प्रॉपर सुविधा और जो जल निकासी है उसकी नहीं होने की वजह से कई चीजें जो कई परेशानी लोगों के सामने खड़ी होती हैं और प्रशासन के हर बार दावे होते हैं कि वो सुविधा मुहैया करा रहा है मगर वो साधन वहाँ खोखले हो जाते हैं कि जहाँ हर साल आपदा से जो है वहाँ के ग्रामीणों को झेलना पड़ता है और जो जिला प्रशासन है वही अपना जो ना एक पुराना जो चला रहा है कि वो बाढ़ चौकियां बनाता है, उस पर डॉक्टर की तैनाती होती है, एक सेक्रेटरी की तैनाती होती है और जो है जो लेखपाल है वो भी वहां तैनात होता है तो उस तरीके से कि वो वहां देखेंगे कितनी फसल का, मगर अभी भी जो है जो धान की है, ईख की जो फसल है, जो अन्य जो फसल है उनके जो खेत है अभी उनमें जलमग्न है पूरी तरीके से। हालांकि जो है पानी थोड़ा कम हुआ है और जो रास्ते का जो पानी है वो निकल गया है और जो ये फसल है ये बर्बाद होगी तो इसका भी आकलन लगाया जाएगा। तो एक बड़ा ये है और उसमें विधायक हैं, जब उन्होंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने जो है तटीय रक्षक बनाने की जो है मांग की है जो जल मंत्री है उनसे। ठीक प्रवीण, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम।